जानते हैं कि यीशु अपने क्रूस मरण के पहले से ही हमें यह कहकर सांत्वना प्रदान किए हैं, जैसे कि हम संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। यह वचन अभी भी हमारे बीच विद्यमान है। इतना ही नहीं, हमें दैनिक जीवन को अच्छी तरह पूरा करने के लिए हमारे साथ रहने वाले प्रत्येक जन भी ईश्वर के ही द्वारा भेजे हुए लोग हैं, जो हमारे हर दुख तकलीफों में हमारे साथ रहते हैं। इसलिए जब परेशानियां घेर लेती हैं तो हम कभी ना घबराएं, क्योंकि ईश्वर का आत्मा हम में विद्यमान है जो हमें सदा सहायता करता है। इनसे बढ़कर प्यार भला हमें इस दुनिया में कौन करता है, जो हमें अपना आत्मा को भेजकर हमें अपना प्यार से घेरे रखे हैं। हमें कभी अकेला ना छोड़ने वाले प्रभु को धन्यवाद दें।